कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना है? 2×10⁻²⁻²⁷ कूलॉम मीटर। एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंट मतलब है डिस्टेंस कितना गिवन है। आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीन्स होगा 2×10⁻²⁻² मीटर हो गया ये, ठीक है। कहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4π ε₀ P cos θ/r². किसकी वजह से होता है? दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। क्या होता है ये? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होता है, ड्यू टू डाइपोल होता है ये। और अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो 1/4π ε₀ और P/r³√1+3cos²θ। आर्बिट्रेरी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसकी वजह से है ये? ड्यू टू डाइपोल है ये, ठीक है। तो ये डाइपोल की वजह से है। तो ये दोनों चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है दो कंडीशन पर। ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, ये पहला पॉइंट है। एक्सिस पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो अब अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो 1/4π ε₀ और P cos 0° / r². तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4π ε₀ P/r² हो जाएगा। और V=1/4π की वैल्यू होती है 9×10⁻¹। और P की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है? 2×10⁻²⁻²⁻²⁷। और R की वैल्यू कितनी गिवन है? 2×10⁻²⁻², 2×10⁻²⁻² और इसका होल पावर टू। V=सॉल्व करेंगे तो 9×10⁻²⁻²⁷ + 9 और फिर हो जाएगा +4 और अपॉन में और ×2/4 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻²⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ होगा कि ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा 4.5×10⁻², ये बन जाएगा 13 और ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -14 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल तो आ गया हमारा, पोटेंशियल तो आ गया। ऑन इट्स एक्सिस पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कैलकुलेट करना है। तो 1/4π ε₀ और P/r³ और 1+3 और cos²⁰ और cos²⁰ का मतलब हो गया 1 और E=9×10⁻⁹ और P की जो वैल्यू है वो कितनी है वैल्यू? 2×10⁻²⁷। R की वैल्यू है 2×10⁻²⁻² इसका होल क्यूब और √1+ ये 3 हो जाएगा और E=9×10⁻²⁷ + 9 और +4 हो जाएगा और (2) हो जाएगा और अपान में 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और (2) ये कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा। तो अब E=9×10⁻²⁴ × 2×2/8 √4 का 2 और ये हो जाएगा 2। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा 4.5×10⁻²⁴। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा N/C आ जाएगा। तो ये ज़रा देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं कि सही जा रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक गड़बड़ हुआ। 10⁻²⁻² का क्यूब करोगे ना तो 10⁻²⁻² का क्यूब करोगे तो -6 यानी +6 हो जाएगा ऊपर। तो ये 9 और 6 = 15 हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा बेटे, यही ये थोड़ा सा हुआ है। ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो केस फर्स्ट सॉल्व हो गया। केस नंबर सेकंड में आ जाते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है?
सेकंड बोल रहा है देखो, ऑन इट्स परपेंडिकुलर, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लो, तो ऑन इट्स परपेंडिकुलर में थीटा विल बिकम्स 90 डिग्री। अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा / आर स्क्वायर, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/r³ √1+3 cos² θ होता है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो 9×10⁻⁹ होगा, और P की वैल्यू 22 कितना आया है, P की वैल्यू कितनी है मैं भूल ही गया, 2×10⁻²⁷ है, 2×10⁻²⁷ और cos 90 और / r की वैल्यू 2×10⁻²⁷ का होल स्क्वायर, यही तो है यार, यही है, ठीक है, गुड। चलो कॉस 90 की वैल्यू बताओ, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, यानी पोटेंशियल इक्विटोरियल पोजीशन पर जीरो होता है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगा पूरा जीरो आ जाएगा। चलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करो, 9×10⁻⁹ आ जाता है इसकी वैल्यू, और पी है होता है, गिवन है 2×10⁻²⁷, आर गिवन है 2×10⁻²⁪ और इसका पावर 3, और इंटू √1+cos और स्क्वायर है और 90 डिग्री है, 3 यहाँ लगा लो। अब ये आप क्या करोगे, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो E=9×10⁻⁹ और 2×10⁻²⁷ और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा, और अंडर रूट में 1 प्लस, देखो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो E=9×, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो × 10⁻²⁷ और +6 और +9 हो जाएगा, और √1 का मतलब 1 हो जाता है। E=2 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट और कितना हो जाएगा, 2.25 × 10⁻⁙ −12 न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो E=2.25 × 10⁻²⁰ न्यूटन अपॉन कूलाम या वोल्ट अपॉन मीटर भी हो सकता है इसका यूनिट। तो सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।